शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। से ही मेरे दिमाग में एक सवाल रहा है कि जब दुनिया के 7 अजूबे चुने जा रहे थे तब लोगों का ध्यान हिंदुस्तानी शादी पे क्यों नहीं गया? हिंदुस्तानी शादी, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा। क्या करें? तीन पाइनएप्पल जूस, 2 प्लेट चाउमीन और 6 प्लेट कुल्फी के बाद मेरे लिए इस शादी में कुछ बचा नहीं था। लेकिन इन शादियों की एक खास बात और होती है। एक सर्वे के मुताबिक 74.3% लोगों की लव स्टोरीज किसी और की ही शादी में शुरू होती हैं। एक्चुअली 74.4।
चैंपियनशिप जीतने के बाद भी मेरी जीत अभी अधूरी थी, क्योंकि फाइनल्स फाइनल्स तो अभी बाकी थे। माय लाइफ वाज परफेक्ट। और जब आपकी जिंदगी सारे सही जवाब दे रही होती है, तब टाइम आता है अपने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने का। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज से 15 साल पहले स्नेहा और मैं यहाँ इस जगह पे पहली बार आए थे। You remember? Of course. मैं स्नेहा के लिए एक्चुअली एक टेडी बेयर खरीद के लाया था। हम लोग 8 साल के थे, 1000 रुपए का टेडी बेयर था और स्नेहा ने यहाँ इस जगह पे टेडी बेयर घुमा दिया था। सच में? तो सबसे पहली बार उसने मुझे यहाँ लूटा था। दूसरी बार हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग गेड़ी मारते हुए यहाँ आ गए थे। आइसक्रीम मैम ने मुझे आइसक्रीम लाने भेजा था, 1 किलोमीटर भागा था, झटका लगा था, फिर से एक और। तीसरी बार इनका बर्थडे था, इनके लिए एक ड्रेस लाया था जो इनको फिट नहीं आई थी। So mean. Who says that, Sahil? आज इन्होंने मुझे एक और झटका दिया है, लाखों का झटका दिया है। What? What do you mean? क्या? Yep. What? Sam. Oh God! Oh, oh my! Sneha, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Yeah. जरिया है ये चाहते हो, दिखी हुई एक धुंधली सी तस्वीर पे बदला सा नजरिया है ये चाहते हैं। बूंदों में नदिया है, लम्हों में सदिया है, नजरें उतारूं या सजदा करूं, रब्बा मैं क्या 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 करूं, हाय रब्बा मैं क्या करूं। चिंगारी से जल उठी सपनों की फूल झड़ियां है ये चाहते, बूंदों में नदियां है, लम्हों में सदियां है, नजरें उतारूं या सजदा करूं, रब्बा मैं क्या करूं, रब्बा
की तरह ठहरे बारिश लिए अपनी ही दुनिया है उसमें जीऊं या फिर तौबा करूं रब मैं क्या 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 करूं हाय रब मैं क्या करूं हिंदुस्तान की बढ़ती आबादी का सही अंदाजा आपको एक शादी के घर में होता है। हर जगह लोग ही लोग। साहिल भाई, हैप्पी मैरिड लाइफ, ऑल द बेस्ट। शादी के घर में दो चीजें कभी नहीं रुकती, फुल क्रीम दूध की चाय और आपके रिश्तेदारों की अनवांटेड राय। अरे गुंजर, तेरा बेटा तो बड़ा सेक्सी हो गया। आए रब्बा, साहिल क्या कर रहा तू? बब्बर मामा आने वाला है, चलो जल्दी से। आजकल की जेनरेशन आई है। शादी के पहले की नर्वसनेस पे अब आपकी दिमाग की सिलाई खुलने लगती है। हर बंदा आपको पकड़ पकड़ के अपनी शादी की कहानियां सुनाता है। कहीं पर तो ड्रामा है, कॉमेडी है, रोमांस है और कभी कभी हॉरर। अरे मामा जी, मामा जी। कैसे हो भाई? मेरा इसको संभाल लो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? अरे भैया, तुझे तेल दिया था लगाने के लिए, सिर्फ दाढ़ी पे ही लगाया। अरे कांग्रेस कांग्रेस। अरे जीत गए जीत गए। ऐसे कैसे हो सकता कि तेरी शादी में मैं ना हूं पुत्र? कंग्रेचुलेशंस पुत्र। हाय रब्बा, ये क्या लाई है? ये फूल लाई। ये फूल है? ब्लडी फूल। कमरा कहाँ है? फूल नहीं है, ब्लडी फूल। तेरा कमरे में आई है। ये शादी के फूल नहीं, बर्बादी के फूल। चलो, मेरी शादी पे श्रद्धांजलि के फूल तो चढ़ी गए। ये बबीता मामी का भुलक्कड़पन था या ऊपर वाले का कोई सिग्नल? इसका जवाब तो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता था, जो बचपन से ही मेरा एक सहारा रहा और जिसने मुझे सिखाया कि अगर आपकी जीते जी श्रद्धांजलि भी हो जाए, there's always a way out। और वो था मेरा सुपर हीरो, मेरे बड़े भाई श्रवण सिंह चौधरी। हेलो एवरीबॉडी। हाँ जी, क्या स्मार्ट लग रहे हो आप भाई। कैसे चल रही है तुम्हारी शादी भाई? सुपर हिट चल रही है, आपके अंडर जो ट्रेन हुई। Cheers. Here we go. Dude, bachelor party का क्या हो रहा है? Bachelor party, कैसी बातें कर रहे हैं? I'll organize the best trippers for you, I swear. मेरी तरफ से गिफ्ट तेरे लिए। भैया प्लीज, I'm a one woman guy. बहुत अच्छी लाइन है, स्नेहा पे चलेगी, मेरे पे नहीं चलेगी। You and me are buddies, you have a friends. Come on, मेरे से क्या छुपाना? Let's go. दो बियर कॉल। ओके सर। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। तू कह रहा है कि तूने स्नेहा के अलावा किसी और लड़की के साथ कुछ नहीं किया? स्नेहा के साथ भी कुछ नहीं किया। They're waiting for a marriage। मतलब तूने आज तक किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया? नहीं। ओ यार, अब समझा मैं। क्या? बट तुझे स्नेहा की जिंदगी इस साल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि
तुझे लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद है, दैट्स ओके, इट्स लीगल नाउ, नॉट अ प्रॉब्लम। या प्लीज, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं यार, आई एम परफेक्टली स्ट्रेट, एब्सोल्युटली नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेट? हां, मैं काय का नॉर्मल स्ट्रेट? एक लड़की, उसके साथ तो कुछ किया नहीं, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया, अपने आपको नॉर्मल कहता है? तू है ना, तू मेरा भाई नहीं है, तुझे ना हॉस्पिटल में बदल दिया होगा किसी ने। और जब यार तेरी बियर कैसी की तैसी, मतलब विस्की विस्की चाहिए थी मैंने। बच्चे पैदा होने के लिए ना हनीमून खत्म होना जरूरी है, करेक्ट है ना? हमारा तो हनीमून ही खत्म नहीं हो रहा, तो क्या करें? अच्छा अभी सुनो, मैंने वो होटल और मेन्यू दोनों फिक्स कर दिया है, इनके कहने पर एक बार चेक कर ले। जरूर। ओए चैंप। हाय मामा जी। रॉकस्टार मामा। क्या हो रहा है साहिल का? अरे उसने आज तक किसी लड़की के साथ कुछ नहीं किया। कहीं गे तो नहीं है? नहीं नहीं, थैंकफुली गे नहीं, गे नहीं, बट उसका वो है ना वो शादी के बाद, शादी के पहले नहीं करूंगा वैसा है। देख भाई, तू मेरा चला है, इतनी जल्दी हार तो मानेगा नहीं। मामा जी, ब्रह्मचारी को मैं ठीक करके सोऊंगा। आप लड़कियों की दूर रहेगा। अरे ओके, इस उम्र में ये एडवाइस अच्छी लगती है क्या? हे बाय साहिल, यू कैन शट द बार। तेरे पंडित की भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही निकलेगी, क्योंकि तेरी ये शादी तो टूटने वाली है, एक और शादी तुझे करनी पड़ेगी। आपको चढ़ गई? मुझे तो नहीं चढ़ी, लेकिन जब तेरी उतरेगी ना बेटे, तब पता चलेगा। अरे लेकिन एक लड़की से प्यार करने में प्रॉब्लम ही क्या है? आप ही ने तो मुझे बताया था, और आप इतने सालों से भाभी के साथ एक साथ हो यार, आई डोंट नो व्हाई यू आर टेलिंग मी दिस थिंग्स। आपके अकाउंटेंट का फोन आ रहा है। वीना माय बेबी, कैसी हो? I love you too. नहीं यार, जरा शादी में बिजी हूँ। या या शीज़ है। मिलता हूँ ना अमित, यहाँ से थोड़ा फ्री हो जाऊँ बस। और शाम, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी भैया। यार चीटिंग ऑन भाभी, आप ऐसे हो सकते थे? हो सकते भैया, इसमें होने ना होने की कोई बात ही नहीं है, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है। तूने कहा तो सुनी होगी ना, ऑल मैन आर डॉग्स। सुनिए, इससे सच बात आज तक किसी ने नहीं कही है। डूड, हम सब कुत्ते हैं यार, सही बता रहा हूँ। हमारे ना हॉर्मोन्स के अंदर चीटिंग भरी हुई है। Don't justify yourself, भैया, please. It's the truth. अरे, तूने ये तो सुना है ना, एक महाराजा की 20-20 महारानियां, कभी ये सुना है एक महारानी के 20-20 राजा? होता नहीं है ऐसा, not possible. क्या है ना कि मर्द है ना एक औरत के साथ बोर हो जाता है, औरत बोर नहीं होती, और जब मर्द बोर हो जाता है ना तो क्या होता है, उसके जो हॉर्मोन्स है ना, हॉर्मोन्स उसको अटैक करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, और सारी फ्रस्ट्रेशन को निकालता है अपने बीवी बच्चों पे, झगड़े होने लगते हैं, मारा मारी होने लगती, एंड फाइनली होता क्या, तलाक। अंडरस्टैंड? सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, टू हैव अ हैप्पीली मैरिड लाइफ यू मस्ट चीट ऑन योर वाइफ। भैया आप मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हैं? मेरी शादी होने वाली है यार। मैं तेरी शादी बचा रहा हूँ मेरे यार। भैया मुझे आपके हॉर्मोन्स में और आपकी हॉर्मोनल थ्योरी में कोई इंटरेस्ट नहीं, प्लीज कीप योर हॉर्मोन्स टू योरसेल्फ। बेटा हॉर्मोन्स को ना कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इंसानों को छोड़ हॉर्मोन ने भगवानों को भी नहीं छोड़ा है, प्रभु श्री राम को देख ले। या? प्रभु श्री राम वाज़ द आइडियल मैन भैया, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सीता मैया के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जस्ट करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट, लेकिन तो उनका पीछा नहीं छोड़ा ना, हा? तो सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें कृष्ण का अवतार तो लेना ही पड़ा। गॉट यू बेबी, गॉट यू। आई एम सॉरी, Did I disturb? Not at all. मैं इसे समझा रहा था कि अच्छा हस्बैंड कैसे बनते हैं। अच्छे से सिखाओ जीजू। I want him just like you.
I will make him just like me. Really? अच्छा, मैं तो बस दीदी को ढूंढ रही थी. Where is she? वो अपने दर्जी के साथ बातें कर रही होगी. Okay, चलो, I'll go find her. See you. See you. Bye. 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 So sweet. इतनी प्यारी लड़की तो उसकी जिंदगी तबाह करेगा. You know that? Selfish man. मैं और selfish. You are unbelievable, यार. आप प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी. मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब तेरे हॉर्मोन्स की घंटी बजने लगेगी ना, तो यही भाई याद आएगा तुझे. ठीक है, चलो जाओ, अभी जाओ. हॉर्मोन्स घंटी बजेगी, टिंग टिंग टिंग, पता चलेगा तब. तुम्हें याद है, I was telling you about this book that I read. It's called Before the Heart Attacks. Have you read it? No. You haven't. You really have to. पता है, 75% of the men cheat on their women in the first week of their marriage. तुम सोच सकते हो? I was so shocked. Sahil. Sahil. What? Are you okay? Yeah, of course. Anyway, तो मैं तुमसे कह रही थी that Sahil. Sahil. हाँ. नहीं नहीं बस ऐसे. Sahil, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना. कहाँ हो तुम? Sahil. Sahil. हाँ. तुम ठीक तो हो ना? Are you sure? Yes, of course. मुझे क्या होगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? एकदम ठीक है. मेरी तबीयत को क्या होगा? जान घर चलते हैं. I think you'll be much better. Hormones. घंटी बजेगी. Ting ting ting. पता चलेगा तब. Sir, your sex on the beach. Sahil, what's wrong with you? मैंने मंगाया था. What are you doing? मेरे गर्मी बहुत लग रही. I'm just going to go in the pool for a time. तुम्हें पकड़ो, मैं भी यहाँ. जब तेरे हॉर्मोन्स की घंटी बजने लगेगी ना, यही भाई याद आएगा तुम्हें. Sahil. मेरा मौका देख के जूम बड़ा परा 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 मर्दों की आंखें होती है क्या मेरा मौका देख के जूम बड़ा अपने ब्लैक एंड व्हाइट तो सुनो बे नए जमाने के रंग गलियों के गार्डन में तू बवरा अकेला है बाकी तू खुद अंडरस्टैंड कर जा तू खुला सांड बन जा है तू खुला सांड बन जा तू खुला सांड बन जा है तू खुला सांड बन जा कैरेक्टर की सारंगी छोड़ रंग रलियों का गिटार बजा
कैरेक्टर की सारंगी छोड़, रंग रलियों का गिटार बजा, रूह की फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ के जिस्म का तू उधार चुका, जंबो जेट गुड़िया है तू, पायलट का चेला है, अय्याशी के रनवे पे लैंड कर जा। जब तेरे होमवर्क की घंटी बजने लगेगी ना, तो यही भाई याद आएगा तुझे। भैया होल थ्री सर। या सर आ जा। बिहाइंड every successful man there is a woman. Come. हाँ ये बात तो सही है। अगर एक लड़की से इतनी तरक्की मिलती है, इतनी सक्सेस मिलती है, तो ढेर सारी लड़कियों से कितनी सक्सेस मिलेगी भैया? ओके एक बारी ना, एक बारी मैं आपकी सारी बातें मान भी लेता हूँ, पर यार अगर स्नेहा को इसके बारे में पता लग गया तो? मैं तुझे अभी जो कहने वाला हूं ना, वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ओके? वो हम मर्दों ने ना हमारे सीने में छुपा के रखा है, ओके? इट्स लाइक अ कोड, ऑलराइट? भाईचारा। भाईचारा? राइट। भाईचारा? भाईचारा। सदियों से हम मर्दों ने ना इस सीक्रेट को अपने सीने में छुपा के रखा। यू अंडरस्टैंड? इसको है ना महर्षि थर्काचार्य ने लिखा था। थर्काचार्य? भैया व्हाट नॉनसेंस यार, आपको मजाक सूझ रही है यार। तमीज से नाम ले यार, थर्काचार्य जी बोलो। व्हाट इज रॉन्ग विद यू मैन? थर्काचार्य जी ने एक रूल बुक लिखी थी जिसमें लिखा था कि हम मर्दों को औरतों से चीट कैसे करना चाहिए, और अगर हम मर्दों को ये रूल्स पता चल गए ना, ये औरतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आई टेल यू दैट, यू नो दैट। और ये सारे रूल्स मैं तुझे सिखाऊंगा, बट रिमेंबर विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लो अब थर्काचार्य जी स्पाइडरमैन बन गए। क्या आप सुपर हीरोज है ना, शादी नहीं करते, समझे? स्पाइडरमैन, बैटमैन, यहां तक हनुमान ने भी शादी नहीं की, राइट? महर्षि थर्काचार्य जो है ना वो एक रॉक स्टार है, रॉक स्टार। बट आई मस्ट टेल यू दैट इट्स नॉट ईजी है, बहुत आसान नहीं है ये सब। थैंक यू। इस खेल में है ना बड़े बड़े टाइगर वुड्स भी हार जाते हैं। भैया हाँ टेंशन हो रही है, पहला रूल बताओ ना। रूल बताने के पहले है ना मैं तुझे अपनी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, ओके? नमो और मेरी शादी को लाइक थोड़ा सा वक्त। Okay, as you guys are aware that this year has been really nice. I think we have done a great job. Congratulations to all of you. And I think we should... Excuse me. Hi, baby. Ah, little cute. Okay. Bye. So, my wife. Bhagawan, my life kabhi mat badalna. हमारा हर दिन बिल्कुल ऐसा ही गुजरे,
right? Oh God, I love you so much. Love you too. I need a detailed report of the you. Okay, I need a detailed report of the UK consignment, okay? And I want you to check out on the Hyderabad and Chennai offices. Bhagwan, my life kabhi mat badal. Is har din aise hi rahe. Good night, baby. Good night. Listen, mere paas dinner ke liye waqt nahi hai. Jab waqt hoga, to chale jayenge. You're right. Kaafi saalon se ye sunti rahi ho. Don't give me this deprived wife crap, okay? Don't. You know, Veena, आजकल घर जाने का दिल ही नहीं करता. तो मत जाओ ना. आज यही रिलैक्स कर लो. नहीं ऐसा नहीं है. Like, रोज ही घर जाने का दिल नहीं करता. लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई. Really? It's like बहुत बोरिंग सी हो गई है जिंदगी. There's absolutely no excitement in my life. This is a B cup size. Hey, baby. कहाँ हुआ? मैं ऑफिस में हूँ. क्यों, क्या हुआ? Really? बस ऐसी याद आ रही थी. I love you for that. अच्छा सुनो, मैं थोड़ा सा मीटिंग में हूँ, little busy. So I'll catch you later, okay? I love you, baby. दिखाना यार. वेट यार, दिखा रही हूँ. अरे अभी आई कांट वेट. कपड़े निकाल. वेट यार. ओके फाइन ओके. ओह माय गॉड, दैट इज सो गुड. ओह गॉड, दैट आई जस्ट यू नो इट इज सो हाउ डे यू चीट. Well done. अच्छा अच्छी तरह पैक प्यार से. गुड पैकिंग. अच्छा एक काम करो, साथ में ना मैचिंग की इयररिंग्स भी डाल देना. Extremely sorry. बस मतलब आपने ये सब प्लान किया था? यप. गिल्ट. गिल्ट है ना आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है. आधे से ज्यादा लोग ये गिल्ट के चक्कर में पकड़े जाते हैं. सो द फर्स्ट रूल, यू नो जब अपनी बीवी से चीट करते हो ना तो एक 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 गिल्टी फीलिंग होती है अंदर. इससे पहले कि ये फीलिंग हमको आए, ये फीलिंग आप बीवी को दे दो. मेक हर फील गिल्टी. वो दिन और आज का दिन है. तेरी भाभी ने फूल के भी मुझ पर कभी शक नहीं किया. आई एम गुड. आई एम सो भैया. हेलो सोनिया जी, आपके अकाउंटेंट ने फोन किया था, मैंने नहीं उठाया. आप कॉल बैक कर दीजिए. सो स्वीट. थैंक यू यार. थैंक यू डार्लिंग. थैंक यू. हेलो बेबी, क्या कर रही हो? ताऊ जी आप? ओए 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 गुंजन बुआ, ताऊ जी आ गए. अच्छा भाई साहब. गुरु भला करे. आप फोन कर लेते, मैं खुद आपको लेने आती. मीरा वाली, चौधरी शहबार करण के हाथ पैर भी दौड़ते हैं. दो दो को मुड़े बिठा के दौड़ने चला आता. नमस्ते जी. खुश रहो खुश रहो खुश रहो. साहिल किधर है? अभी बुलाती हूँ. साहिल पुत्र. साहिल आइए.
खुश रहे ओए लफंडर दाढ़ी मूछ तेरी ठीक से आई नहीं ओए ब्याह की जिम्मेदारी संभाल लेगा भाई साहब आप जरा आराम कर लीजिए ठीक है वीरा वाली चल बरखुदार शादी ब्याह कोई खेल नहीं काका जी बड़े बड़े पहलवान चित्त हो जाते हैं समझा ना हाँ गॉड ये ले ले एनर्जी ड्रिंक पी ले ताऊ जी से मिलने का अक्सर लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है मुझे अपनी पूरी जिंदगी काटनी है आपके प्यो ने मेरे प्यो के नाल कौन सी दुश्मनी निकाली कि मेरी ब्याह आपके साथ करा दिया अरे रब ने शादी जैसी चीज बनाई क्यों गुंजन ने अरे डॉली पापी आई आई कितनी खुशी हो गई है तू थैंक यू भैया अरे छोड़ ना इतना तो काम ही है साहिल पुत्र मम्मी जी शादी मुबारक हो सुन सुन मना कर तुहानू मामी दी सोहा रख ले आइसक्रीम खा लेना पुत्र और सुन टीटो को ना देना समझा कुछ कितना प्यारा लग रहा है अरे सुन गुंजन कितने दिए 10 rupees for happy marriage मैंने मना भी नहीं किया यार that's fine it's okay इन्हीं को श्रद्धांजलि इनको ये बंदा जो है ना पतला दुबला गरीब बेचारा जो दो थैली नहीं उठा पा रहा है पंजाब में एक वक्त पे पहलवान हुआ करता था डरते थे लोग इससे डोले शोले दूध मलाई खा के तंदुरुस्त था हालत हो गई ओ गुलाल तूने दाव पे सिक्के कहां से क्यों होया ओ मेरी ब्रा नहीं मिल रही और तेनू ब्रा पहनने की जरूरत ही की हैगी अच्छे तरह है गया ओ चुप कर ढूंढवा साथ में चल खोता अरे ढूंढ ले यहाँ कहीं पड़ी होगी ना तूने तो नहीं छुपाई तेरे ब्रा विच कद्दू गाने गए नहीं मिल रही है तू ब्रा पहन के आई थी ओए किस टाइप की औरत समझा तूने मुझे हैं गलत ये ब्रा तू क्यों परेशान हो रहा है सिर्फ 60 रुपए की तो है 60 रुपए के तेरे भाड़ में मेरी बीवी को तेरी ब्रा मिल गई ना तो वो मेरी 60 टुकड़े कर देगी तो कह देना उसी की है हाँ अब तू दिमाग मत खा मेरा चल ब्रा ढूंढ दे फिर उन्हें क्या हुआ वो ब्रा अभी तक नहीं मिली गुजलाल मामा है ना आज भी इस खौफ में जी रहे हैं कि वो ब्रा अब मिली ब्रा नहीं मिली यार दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बीवी लुधियाना में हो या लंदन में गर्लफ्रेंड को घर में कभी मत लाना नेवर सेकंड रूल वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा अच्छा ये शादी करके मैं इस घर से जा रही ऐसे नहीं कहते अरे थक चुकी मैं इनके रोज के झगड़ों से हर रोज लड़ते हैं
This is why I don't believe in arranged marriages. दीदी आप कुछ छुपा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं. जब आप झूठ बोल नहीं सकती तो कोशिश भी क्यों करती हो? और आप जानते हो ना कि जाने बगैर तो मैं मानूंगी नहीं, तो बताओ ना. तेरी मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी. What? Oh my God, I don't believe that. You are just impossible. जो करना करो, मैं जा रहा हूँ. तुमसे शादी तो आपने क्या हुआ? जिंदगी बर्बाद कर ली. तेरे पापा के चक्कर में रहना, हम कभी फंक्शन में नहीं पहुंच पाएंगे. जल्दी आप उतर. बड़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है यार. तुझे पता है औरत की सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है? क्या? उसकी नाक. सब कुछ सुन लेती हो. और नाक से ज्यादा खतरनाक चीज़ पता है क्या? क्या? एक औरत की दूसरी औरत को सुनने की ताकत. इसीलिए मार्केट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड कलोन है ना, वही लेना चाहिए, ताकि घर वाली बाहर वाली की खुशबू कभी नहीं ले सके. स्मार्ट. परफ्यूम दो. लाओ. फिर सर लगा. शगन दी रात आई, मांगती है मो दिखाई. शगन दी रात आई, मांगती है मो दिखाई. झूमर जला दे, जरा म्यूजिक बजा दे, बन्नों के नाम का नजराना तू लुटा दे. ओ यारा मुंह मीठा करा दे, करा दे यारा मुंह मीठा करा दे. मुंह मीठा करा दे, करा दे यारा मुंह मीठा करा दे. मुंह मीठा करा दे, करा दे यारा मुंह मीठा करा दे. की बारात आई, गूंज गई शहनाई. ओ घर क्या ये सारा मोहल्ला तू सजा दे, बन्नों के नाम का नजराना तू लुटा दे. मीठा करा दे, करा दे यारा मुँह मीठा करा दे. जज्बात आई, रुत ये हंसी रंग लाई. रब से दुआ है मेहर बरसा दे, बन्नों के नाम का नजराना तू लुटा दे.
बना शादी की एल्बम नहीं बननी है हाँ, पर फोटो वाले को इतने पैसे दे रहे जा, जा, जा। चल छेती चल मार पड़ेगी तो चले जा पूरी रात पड़ी हमारे पास चुप कर बैठ जाओ आइए आइए फोटो लीजिए आइए करोड़ 25 लाख और मांग रहा है क्या करूं दे दो चलो भी चलो भी बेटा जी ए, हाँ वे मेरी भी अच्छी थी खींची यार तू हाँ रख ली मना न कर एक तुझसे किसने पूछ रहे तू स्नेहा आज हमारी सगाई हो गई है यार हिंदी फिल्मों में इतना एको क्यों होता है हाँ वाव आई फील अलाइव अगेन वाव अब तुम्हें क्या हुआ तुम्हें पता है मॉम डैड की लव मैरिज हुई थी really? उन्हें देख के लगता नहीं है ए, क्या हुआ मैं मजाक कर रहा था साहिल बचपन से मैंने अपने मॉम डैड को लड़ते हुए देखा है मुझे हमेशा लगता था कि उनकी शादी एक बहुत बड़ी गलती है लेकिन आज जब मुझे पता चला कि वो भी बिल्कुल हमारी तरह थे आई मीन एट सम पॉइंट इवन दे वर दिस मच इन लव I'm just really worried. कहीं हम तो ऐसे नहीं होंगे रहे Look, मेरे लिए तो हमारी शादी 15 साल पहले ही हो गई थी आई मीन वी जस्ट मेकिंग इट ऑफिशियल नाउ राइट और इन 15 सालों में ज्यादा कुछ बदला भी नहीं है और मुझे अपना कोई वैसे बिग झगड़ा भी याद नहीं आ रहा हाँ तुमने मुझे 5-6 बार पीटा जरूर है बट आई डोंट नो फकिंग कॉल दैट अ झगड़ा 7वीं बार आई प्रॉमिस यू चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी नहीं बदलेंगे आई हेट ड्रॉप आउट्स बीच में कोर्स छोड़ने वालों से ना मुझे सख्त नफरत ये भाईचारे की इंसल्ट है यार आप कुछ भी बोलो मैं स्नेहा को धोखा नहीं दे सकता यू डोंट नो यार व्हाट शी इज गोइंग थ्रू आई नो उनके झगड़े होते रहते ना उसके माँ बाप के तो नहीं ऑब्वियसली उसका बाप ही तेरी तरह है बिल्कुल सीधा हॉर्मोन्स की बात नहीं मानी पछता रहा है मैं नहीं चाहूँगा तेरे बच्चे भी है ना उनका भी बचपन स्नेहा के बचपन की तरह बीते श्रवण भैया क्या हुआ वही जो होना था हमेशा की तरह सूर्य अंकल लेट है उनकी फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई है ये सूर्य अंकल की लेट आने की जो आदत है ना ये मुझे नाम के आगे लेट लगने वाला है बहुत जल्दी 1 घंटा चल ड्रिंक पीते दोपहर को मेरे पेट में कौन सी घड़ी है चल वैसे समझाना की है समझाना ये है कि बीवी को संभाला कैसे जाता हैंडल कैसे करते हैं उसको अरे लो कर लो बात अब मुझे सिखाओ ना जी अभी से प्रैक्टिस शुरू करूंगा तो तब तक तो सीख ही जाऊंगा ना ये देख ये होता है डेडिकेटेड स्टूडेंट
तुझसे सिखा लो। शादी इसकी है तेरी है। Shut up! पता नहीं मैंने तुमसे शादी क्यों की। लड़ी जब। ये हाल होता है मर्दों का शादी के बाद। No, I'm sorry, ma'am. It's taken. Oh, come on. Trust me. You won't regret it. Look, ma'am, I'm not interested. And I told you it's already taken. Shit. Dekha, bhaiya. Sab aap jaise nahi hote hain. Wife se jhagda hua, lekin still. He's loyal. Oh, baby, I missed you so much. Hey, no! बेटे हॉर्मोन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी है या औरत है समझो डिस्क्रिमिनेशन ना तुम जैसे लोग करते हो सोसाइटी में समझे आई लव हॉर्मोन्स आगरा में होगा क्या हुआ भैया टेंशन हो रही है फटाफट अगला रूल बताओ ना अगला रूल सत्य में विजय है सच की हमेशा जीत होती है कभी भी कोई गड़बड़ कर दो ना लाइफ में तो बीवी को सब सच बता देना भैया मैं कुछ समझा नहीं समझने की कोई जरूरत नहीं मेरे बच्चे सामने देख उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है क्या कर रहे हैं अरे अभी आगे आगे देख क्या क्या होता है वैसे एक बात बताऊं गोरी की पप्पी लेने में मजा ही कुछ और अरे अरे मुबारक हो यार अरे तुम्हारी भी लग गई शादी हो रही है आंटी नहीं आई आंटी मर गई मेरा मतलब है कि वो लगेज लेके आ रही है आ रही आ रही आ रही सिगरेट जल्दी 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 लाइट पकड़ 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 कहाँ गायब हो गए थे अरे मैं आप ही को ढूंढ अच्छा मैं बाहर आके एक बड़ी खूबसूरत सी गोरी सी लंबी सी फॉरेन की एयर होस्टेस के साथ फ्लर्ट कर रहा था और मैंने उसकी पप्पी भी ली सबके सामने मैंने कहा ना आपको फिर से चुप बाहर आकर छिपकर आप सिगरेट पी रहे थे ना कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि सिगरेट मत पिया करो फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते really sad I just don't know what to do with your uncle तुम्हें पता है एक दिन मैं इनके ऑफिस में गई तो ये सेक्रेटरी के साथ सिगरेट पी रहे थे दूसरी बार जब मैं घर पर आई तो मैंने देखा कि हमारी जो नेबर है मिसेज एरिक्सन सर उसके साथ बैठकर सिगरेट पी रहे थे अरे एक दिन तो जब मैं घर पर नहीं थी तो नौकरानी के साथ बैठकर सिगरेट पी रहे थे I really don't know what to do with you. Chitto, सामान गाड़ी में चढ़ा दे. I'm leaving. काश leaving forever हो जाए तो मजा ना आ जाए. वैसे एक बात बताऊँ, I love wives. लेकिन दूसरों की वो नीचे. Were you waiting for me to come? Can I go dance? Go on. Hey! शादी की तैयारियां ठीक ठाक चल रही जी ताऊ जी कोई कमी कोई घाट कोई थोड़ा नहीं ताऊ जी बहुत बढ़िया सच बोल रहे जी और खुदार बचपन से तूने साहिल को
उल्टी सीधी हरकतों में डाला। मैंने तुझे कुछ नहीं किया, सोचा बचपना है सुधर जाएंगे, लेकिन तू नहीं सुधरिया। हम साहिल की शादी हो गई है, तू उसे किसी पुटरी सी थां पे मत ले जाना और ना ही उसे तू अपनी फिलॉसफी बढ़ाना। हाँ जी ताऊ जी। बंदा बन जा। You want a drink? Yeah, बनती है। नहीं बनती है ड्रिंक। स्नेहा के पास जाना है। चलो। क्या वो? ताऊ जी सटे आ गए यार। He's lost the plot. भाईचारा नहीं समझते यार। Forget about it. सुन, जंग में ना जब से भाई लड़ने जाता है, तो ना बंदूक चलाना सीख के जाता है। उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ के नहीं जाता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख अभी ये थियोरेटिकल नॉलेज तो मैं तुझे दे रहा हूँ, है ना? अब ये शादी का एग्जाम है, अगर तुझे जीतना है ना, तो इसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है यार। But I still don't get it. What problem क्या? Problem नहीं दिख रहा है तुझे? नहीं। अरे यार यहाँ पे एक अच्छी शक्ल नहीं दिख रही मुझे। We need a girl यार। Girl? You know to experiment this we need a girl. You know what we need? We need this bombshell चाहिए यार। एक ऐसी अनुराधा जो पटाखा होती है ना, वो चाहिए। क्या बातें कर रहे हैं यार, कौन सा पटाखा? Hello cheater. Oh hi, Megha. Hi, wow. Hi. What a pleasant surprise. I mean, तुम यहाँ. Well, it's not a pleasant surprise to me. मुझे छोड़ दिया और स्नेहा से शादी कर रहे हो. ची ची. Nice girl. Megha. Oops, your starts again. अब सबसे जाके मिलना पड़ेगा. Hello, Uncle Ji. Namaste, Chachi Ji. Right. Well, I'll see you in a bit. Yeah, yeah, please, tell him. Hey, Megha. Oh, shit. ये यहाँ क्या कर रही है यार? कौन है? अरे यार, family friend ने पिछले साल इसका रिश्ता था मेरे लिए. मैंने मना कर दिया. उसके बाद कैलकटा चली गई. I don't know why she's come back, यार. स्नेहा ने बुलाया होगा. स्नेहा hates her. Really? Yeah. I don't know उसे यहाँ देखेगी कैसे रिएक्ट करेगी यार. I like her. She's good. Experiment. God, well, as expected, it was terrible. I mean, I don't know why people can't forget the past. वैसे मुझे यहाँ देख के तुम्हें अजीब तो नहीं लगा? No, no, not at all. यार कैसी बातें कर रही हो? It's fine. In fact, I'm glad you're here. Looking fabulous, I must say. Well, I'm here on a business trip. साथ से पता चला कि तुम्हारी शादी है, and you know, सोचा साथ में आ जाओ और congratulate कर दूँ. And don't worry. ये वही मेगा है ना जिसके बारे में तुम बात करते रहते हो? मैं? हाँ. He really misses you, I'll tell you. By the way, I'm Shrawan, yeah, and he's cheater का cousin हूँ मैं. Hey. He really likes you. And in fact, ये तो मुझे कह रहा था कि आपको सारे फंक्शन अटेंड करना चाहिए. You really? Have to. You have to. मैं? हाँ. देखो, don't say no. हाँ. ये दूल्हे का दिल नहीं तोड़ता. You know what I mean? Well, you know, last few days of his freedom, you have to be with him. I love him. He's a great guy. He likes you. You got to be around. I'll see you in a minute. Bye. Sahil, are you sure about this? Yeah. I mean, of course. You should stay. Mom, I'll just be back in a minute, okay? Stay. Oh, that's surprising. Hi. Hi. Hey. Hi, Sneha. Congratulations. Thanks. Sneha, I'm sorry, लेकिन तुम्हारा ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. You know, I mean, her dressing sense has always been a problem. But I hope तुम्हारा शादी का लहंगा इससे better होगा, क्योंकि मैं उस दिन एक बहुत ही सुंदर साड़ी पहनने वाली हूँ. I'm sure, Megha. Don't worry, I'll try कि मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत ना दिखूँ. वैसे honestly, मुझे तुम्हारी शादी में आना थोड़ा अजीब लग रहा था, but साहिल ने इतना insist किया कि मैं मना नहीं कर पाई. Achha? Well, you guys have a great wedding. Have a good time. Yeah? Thank you. Bye, Sahil. Bye, Chi. Sneha. Hi, Rabba.
क्या करूं? सोए क्या हुआ? क्या हुआ? आपको ये पूछते हुए शर्म नहीं आती? पहली बार इतना बड़ा झगड़ा हुआ है मेरा और स्नेहा का, अब तो मुझे भी पंडित की बात पे विश्वास में लग गया भैया, ये शादी वर्कआउट नहीं होगी। I'm gone, I'm done। तू ना टेंशन बहुत लेता है। Right now you have to worry about that girl, you know, जिसके ऊपर हम लोग सारा रूल अप्लाई करेंगे वो। I think Megha is perfect for that। आप क्यों शादी से पहले मेरा डिवोर्स करना चाहते हैं भैया? अरे वो मेघा है, उसका रिश्ता पिछले साल मेरे लिए आया था। She was in love with me and all, yaar, and Sneha hates her. That is the reason why. Samjha? She wants to get back at Sneha. वो तेरे लिए कुछ भी करेगी। It's an ego clash, buddy. और अगर इसी ego clash के चक्कर में उसने जाकर स्नेहा को सब कुछ सच सच बता दिया और हमारी शादी तोड़वानी चाहिए, तो आप हमारी शादी तोड़वानी चाहते हैं? नहीं, उसके लिए मेरे पास और रूल है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होगा। Trust me. I am done. मैं और चांस ले सकता हूँ। Please. I'm done. Please, भैया, what? Hello, cheater. तुम क्या कह सकते? तुमने तो मैसेज किया था कि लेट्स हैव लंच टुगेदर। अरे मैंने कब किया था? क्यों शर्मा रहा है? क्या हो रहा है? गो एंड हैव लंच विद हर। यू मस्ट गो टू दैट प्लेस, चाइना गोल्ड। वहां पे ना भिंडी, सॉरी, बटर गार्लिक क्रैब, ब्रिलियंट। रियली ब्रिलियंट, इट्स ग्रेट। लेट्स जस्ट गो देयर। या गो देयर, लेट्स गो। या गो, वी गेटिंग लेट। फोन करते हो, मैसेज करते हो, नाटक करते हो। साहिल, एक मिनट, मैं आ रहा हूं। मेरा कल फोन मिल गया। साहिल, लेट्स गो क्विकली, लेट्स गो, जागो आया, जागो आया, रूही बनाए बादशाह बेक, जागो आया, जागो आया। यस प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। स्टॉप इट, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अब क्या हुआ? लेक्चर्स बहुत हो गए, अब एग्जाम की बारी है। अरे कौन सा एग्जाम? स्नेहा, क्या साहिल यहाँ क्या कर रहा है? Who's that girl? कौन है वो उसके साथ? हाय। अरे अरे शर्मा क्यों रही हो? अरे आओ मेरे साथ। ठीक करता है, आओ। कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम लोग? दो बार से वेट कर रहे हैं तेरा। आप लो जाओ ना, अब सच्चाई क्या है ना, इन्हीं के मुंह से सुनो। दोनों एक दूसरे से प्यार। Oh yeah, oh my god. Hey, relax, you know, Sneha's like my little sister. वो किसी से नहीं कहेगी, right? Of course. हुआ ये कि दोनों कलकत्ता में मिले थे और इनमें प्यार हो गया। फादर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उस दिन पार्टी में मेघा ने मुझसे कहा कि साहिल कैन बी इनवाइटेड फॉर द वेडिंग। आई सेड ऑफ कोर्स। आप क्या कर रहे हैं? अरे जान, यू नो, अंडरस्टैंडिंग, हमारी शादी में किसी और का भी घर बस रहा है। हाउ कम कूल इज दैट? आई लव इट। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। और तुम मुझ पे शक कर रही थी ना? तुम मुझ पे, ठीक है, एक्चुअली ये शर्मा रही थी, तुमसे बता नहीं पा रही। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या है? काम डाउन भैया, हम है ना, हम अंकल को मना लेंगे। अबे कौन सा अंकल यार, तू समझ नहीं रहा यार, क्या लग रहा है? शान, नेहा, ये क्या कर रहे हो? Well, I'm his fiance. Fiance? नहीं नहीं नेहा, शान, जिंदगी में कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। नेहा, I'm sorry. जाओ यहाँ से। Don't talk to me. उनसे बात मत कीजिए भैया। You trapped me. It was a test. You're right. अगर मैं पकड़ा जाता तो पता मेरे कितनी फट गई थी। कहां से फट गई साहब? हमने तो एवन क्वालिटी का कपड़ा इस्तेमाल किया था। अबे तेरे से कौन बात कर रहा है? चुप, यू आर माय स्टूडेंट बड़ी, तू फेल हो नहीं सकता।
यार राइट और उस बेचारे लड़के का क्या हमारे चक्कर में बेचारा वो तो गया बेचारा लूजर है यार तू कहाँ उसकी फिक्र कर रहा है जितने डेडिकेटेड टाइप के होते हैं ना दे डिजर्व इट फॉरगेट अबाउट आप कुछ भी बोलो आई एम डन विद ऑल दिस भाईचारा स्टफ एक बार बाल बाल बचाऊं मैं अब फिर पंगा नहीं लूंगा समझ गए आप तू मेरे को धमकी क्या देता रहता है तू सीख के मुझ पर एहसान नहीं कर रहा है मैं सिखा के तुझ पे एहसान कर रहा हूं समझा हाँ तो प्लीज मत करो ना एहसान मत करो प्लीज डन फिनिश्ड ओवर नहीं करता मत करो ये लास्ट वाला रूल सीख लिया होता ना तो जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होता तुझे या शादी में मिलेंगे अभी हाँ ठीक है रो तलाक होगी तब पता चलेगा तेरे को मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगल मामाओं की हालत देखी नहीं बनने वाला मामाओं की तरह मामा जी सिगरेट नहीं पीता प्लीज वो भी नहीं मामा जी कॉलेज में चल गए तो क्या करोगे आप प्लीज आप सिगरेट पी रहे हो मैंने तुम्हें कहा था मैंने तुम्हारी जैसे चीटर के साथ शादी तो नहीं ना करता हाँ चीटर अब हम शादी मैंने तुम्हें कहा था ना नहीं नहीं तुम्हें कहा नहीं झूठ बोलते हो आप सोच सोते हुए तुम काफी सेक्सी लगते हो मेरा प्लीज ये क्या हो रहा है मतलब मेरा शक सही निकला सपना लग रहा Oh my God, Sahil, अपना चेहरा भी देखो. Relax. We were just joking. I'm sorry. I'm really sorry. Is किसी को नीचे उठाते क्या यार? Actually, हम दोनों ने अपने differences resolve कर लिए. And I'm so glad that you invited her for the wedding. Well, I guess मुझे होने वाली दूल्हे दुल्हन को थोड़ा टाइम दे देना चाहिए Well, I'll see you guys down. See you guys. See you, babe. Bye. I know कि तुम क्या सोच रहे हो क्या कि मैं और मेघा एक साथ कैसे रहे But just think about it, Sahil. पहले तुमने उसे शादी के लिए मना कर दिया और अब उस तुषार ने भी उसे धोखा दे दिया रहे I just thought that the least we could do is be sweet to her. Anyway, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ हम सब डिनर के लिए जा रहे हैं ओके हम सब हाँ मेघा भी हमारे साथ चल रही है जस्ट मेक इट क्विक चार ओके आज तक सच बोलता रहा दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रही और एक बार झूठ बोला तो भैया इट वर्क्स चौथा रूल साफ मुकरजन अगर तुम्हारी बीवी ने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा साफ मुकरजन सीधे मुंह मुकरजन और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ मुकरना चाहिए कि बीवी को अपनी आंखों पे भरोसा ना हो पर भैया दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कोई अपनी आंखों देखी चीज पे थोड़ी चेक करता क्या वो देख क्या बबीता मामी दिन भर गोलियां आती रहती अरे नींद आ रही है अरे मामी जी आप यहाँ हैं मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ आपको दवाई देनी है ना तो कितना ख्याल रखता मेरा झंडू मामी जी मैंने कितनी बार कहा कि मेरा नाम झंडू नहीं है फंडू है फंडू कितना भूलता है ये फरीदा ओए मैं तो गुंजन हूँ तो फिर फरीदा कौन है आओ बताती तुझे पता है बीमारी इनको नहीं है
बीमारी पोपट मामा पर और गोलियां ये खाती है। ये कौन सी बीमारी है? इधर डूड है। पोपट! हाँ? क्या हो रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? शर्म नहीं आई? किस बात की शर्म? ये जो तुम इसके साथ कर रहे हो? कौन सी लड़की की बात कर रहे हो? ये लड़की जो भी यहाँ थी, अब आप कहाँ भागे जा रहे हैं? अब भाग कहाँ रहे हो? कहाँ भाग रहा हूँ, यहीं पर तो हूँ। एक कप चाय रख रहा। चाय? तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? तुम्हें क्या हो गया है? अजीब अजीब बातें कर रही हो। मैं अजीब अजीब बातें कर रही हूँ? मैं? तो तुम क्या कर रहे थे उस लड़की के साथ? कौन सी लड़की? वो चाय के साथ क्या लोगे जी? भेज दो कोई भी हो तो, कुछ भी हो तो भेज। पोपट मामा, उन्होंने उन्होंने एक्चुअली ये कर दिखाया। वाओ, दैट्स जीनियस। बेचारी बबीता भाभी यार, 8-10 साइकेट्रिस्ट के पास जा चुकी है, कोई फायदा नहीं है। वो अपनी दवाइयां खाई जा रही है और पोपट मामा मस्ती। भैया मानना पड़ेगा, क्या कमाल की छिछोरी फैमिली हमारी है। चुप है छिछोरी। हाँ मामा। सच सच बोल, मैंने तूने मेरे पर्स से 200 रुपए निकाले। ओ नाना, मैं क्यों आपके पर्स से निकालने लगा? टीटू पुत्र, मैं वॉर्न कर रही हूँ तनु, हाँ झूठ ना बोल। कल ही तूने मुझसे 200 रुपीस मांगे थे। हाँ हाँ, और आपने तो जैसे करोड़ का चेक फाड़ के दिता ना मैनू। चमाट लगा लिया तेरे। हाँ मैंने तेरे को पैसे नहीं दिए, तूने जरूर चोरी किए होंगे। टीटू आई नो यू। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले। लो टिट्टू भैया, ये रहा आपका बुगल, 250 के थे, मैं 200 में ले आया। खोते दे पुत्र, एक तो चोरी करता है, ऊपर से मेरी झूठी सो खाता है, कंजरा कहीं का। मैं दोनों बाप बेटों से परेशान हो गई है। एक इनका बाप है जो फेंकती होता रहता है, बेटा चोरियां करता रहता, चोर कहीं का। गधे, ये रूल बीवियों पे अप्लाई करता है, माँ पे नहीं। माँ पे करेगा तो ऐसी चमाट पड़ेगी। मैं उसे गुड ट्राई दो। कितना क्यों दिल शर्मावे? हीरा वाली, साहिल को लेके जाके मेहंदी की रस्में पूरी कराओ, ताकि बच्चे गीत संगीत शुरू करें तो बहुत रात हो जाएगी। ठीक है। मेहंदी की स्मेल अच्छी नहीं लग रही। भाई, मेहंदी की स्मेल तो रोमांटिक। खुशी है दावेला होने नचना नचना, खुशी है दावेला होने हो गया। हाँ, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाले। ये कहने वाले हो ना कि मैं किसी लड़की के साथ था, but I know you. तुम छिपकर सिगरेट पी रहे थे। I can still smell the smoke on you, so don't lie to me, Harry. You got it? अरे बबल, ये सब छोड़, आके मिसेस तिलन के सॉलिड टेस्ट देख। अच्छा हरी। हाँ, okay, sorry. बबल। हरी। वनीली मारी। क्या? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। Thank you, Harry. देख, मेरी क्या देख रहा है? उसकी जाके देख। कैसी बातें करती हो? तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्या? मुझे बता। हाथ भी पकड़ा है। हाथ पकड़ा? अब तुम कहोगे कि मैंने उसकी पप्पी ली। पप्पी मैंने खुद देखा।
जी, तो वही लड़की है ना जो हमारे बेडरूम में आप ले। बोलो, तुझे लड़की भी एक ही दिखाई देती है, कम से कम दूसरी लड़की तो देखा कर, इतनी तो क्रेडिट दे मुझे। तेरी दवाई चेंज करनी पड़ेगी, वरना तू लड़की चेंज नहीं करेगी। वाह, चलो दवाई चेंज करता हूँ मैं। कैसे उठाऊ मैं? हेलो साल थोड़ा नेटवर्क नहीं है, थोड़ा साइड में आ जाओ। हेलो, हेलो सर, हेलो साल थोड़ा कोने में आ जाओ प्लीज, थोड़ा नेटवर्क नहीं है। हेलो, हेलो, हेलो सर, सर दो मिनट नेटवर्क नहीं, एक मिनट। या साइड पे, साइड साइड यहाँ तो हो जाएगा। हेलो, नहीं एक मिनट साइड पे आना। हेलो, यस सर, हेलो, थैंक्स श्रवण। यू आर वेलकम। बस सर इश्क में मत पड़ जाना, ओके? I just want him to have fun. That's it. I'll take care of it. Bye. Hey, cheater. Yeah, this is wrong. Shh. I know ki tum Sneha se bahut pyar karte ho and all that crap. Do din mein tumhari shaadi ho rahi hai. And in stupid si lunches and dinners par mujhe time nahi waste karna hai. Shivan ne mujhe bata diya hai ki you're also attracted to me. What's wrong with you? Shaadi hone wali hai. तुम्हारा फोन। साहिल है एंड ही फाउंड इट। गाइस गाइस, अगर शादी करने में कोई भी अच्छी चीज होती है तो वो होती है बैचलर पार्टी। एब्सोल्युटली नो। ओह शिट यार, अरे यार प्रिया का फोन है। ओ गॉड, तो फ्राइडे यार। साल मुझे घर जाना है। तुम जाओ। अरे यार, हैड टू गो टू माय इन-लॉज यार। मैं कंप्लीटली फॉरगॉट यार। फोन तो उठा ले। बेटा तू तो गया। साल तेरी ताई जी। अबे पागल हो गया है, मेरी शादी हो रही है यार। साल तेरी नानी। पागल है क्या? अभी तो उन्हें पिछली बार रघु की बैचलर पार्टी में यूज किया है यार। यार क्या करूं यार, मेरे दादाजी चलेंगे, उन्हें ऑफ हुई 5-6 साल ही हुए हैं। हेलो, हाँ प्रिया। प्रिया मैं ना घर ही आ रहा था, मुझे ना रास्ते में गगन का फोन आया है, फिर दादाजी पास अवे है। आई नो इट्स सैड, मुझे ना उसके साथ रहना पड़ेगा यार। यू नो हैव टू सपोर्ट हिम ना, वो बेचारा कोई भी नहीं उसके साथ है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेबी। हाँ एंड प्लीज मॉम डैड को कह देना कि नेक्स्ट वीक वील मेक इट फॉर द डिनर। आई लव यू स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाय। सारी तैयारियां हो गई? हो गई आंटी। हवन का सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया? हाँ बिल्कुल रखवा दिया। वो जो गंगा जल मैंने दिया था वो सब रख लिया आंटी जी। बेटा तेरे होते हुए मुझे फिक्र करने की वैसे जरूरत नहीं है। ये लो स्नेहा। हाँ ये सामान रख दिया पूजा का। हाँ जाते समय कुलदेवी के मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करना। ओके ओके बेटा, हम जल्दी वापस आएंगे कल तक। हाँ निकलो बेटा। अच्छा जाते ही फोन करना। दे दो दो चार कोनियाँ तो मांगनी पड़ेगी। ढूंढ रहे हो भाई? पहना हुआ है मैंने। अरे अरे किधर हाथ डाल रहा है?
डॉली भाभ क्या प्रॉब्लम है इनको? हरमिंदर भाई साहब, मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। शादी के 2 साल के बाद ही इन्होंने कुछ ढूंढना शुरू कर दिया और आज तक ढूंढ रहे, मिला ही नहीं है। परेशान सोनिया, छिट्टी छिट्टी फोन कर। आप क्यों परेशान घूम रही हैं? अरे क्या बताओ भैया, ये हलवाई ने मोतीचूर के लड्डू की जगह जो ये बूंदी का लड्डू भेज दिया। आपका नाम मिसेस गुंजन, परेशान होना चाहिए। वीरावली जी, वो साहिल नहीं दिख रहा? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही है जी। कमाल है, परसों उसने कुड़ी चढ़ना है और हुन दोस्तों के साथ महफिल सजाने की क्या लोड़ है? राव जी, आजकल के बच्चे शादी की बाकी की रस्में करें या ना करें, पार्टी जरूर मनाते हैं। क्या कहते हैं उसे? बैचलर पार्टी। बैचलर पार्टी। जी घबराने की कोई बात नहीं है, श्रवण उसके साथ है। असल तो यही घबराने की बात है। Something for your mind, your body, and your soul. It's the power to arouse the purpose. यहाँ कहाँ ले आई मुझे? मंदिर से तो सीधा कर जाना था ना। ये भी मंदिर ही है स्नेहा। मंदिर प्लीज ये खोलो। खोल दिया बाबा, खोल, रिलैक्स करो। सरप्राइज। यार सैम डॉटी, हमारी बीवी हमारे लिए ऐसा डांस क्यों नहीं कर सकती है? अबे चुप कर चोरू के गुलाम, छोड़ना यार। फिर इतनी गोरी गोरी अप्सराओं के सामने तू किन चुड़ैलों का नाम ले रहा है यार? जस्ट चिल आउट गाइस। यार ये मेरी टांग। बट साहिल, श्रवण भैया ने हमारी पूरी नाइट सेट कर दी है यार। हाँ यार, पहले शराब, फिर छोड़ शराब, वो तो रोज पीते हैं। और शराब के पीछे भागते हैं। I. Leave him alone. Thank you. I knew you were a good man. Don't thank me, buddy. ये लड़कियाँ तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए मेगा है। ना, देख जितनी बार भी तूने मुझे ना कहा है ना, तू प्रॉब्लम में पा। ओके? Last few days before marriage. Right? Honeymoon suite. She's waiting. Top floor. Come on, Sneha. Ye party tere liye organized hui hai. Why are you so serious? Enjoy karna, yaar. तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि सिड मुझसे झूठ बोलकर साहिल की बैचलर्स पार्टी में गया है? Don't you know? All men are dogs. मुझे बैचलर पार्टी के बारे में पता है। साहिल मुझसे पूछ के गया था। And anyway, I trust him completely. मैं जानती हूँ वो कुछ गलत नहीं करेगा।
Anyway, thanks for this party of yours. I'm really not interested. I'm sorry. No. Sahil. No, no, my head is so wrong. Hey, there's nothing wrong. No, my head is so wrong. Hey. I'm sorry. Stay. I can't do this. Please don't go. No, no. Don't go away. No, I'm sorry, I can't do this. Sahil. Zindagi. Listen. Sneha. 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 जानने के लिए कि आपने श्रवण भैया की सच्चाई सबको बताई क्यों नहीं? उसे मेरी गलती दूर नहीं होती ना टट्टू। क्या आपने उस मेघा के साथ? तो फिर आपने गलती की कहाँ? बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैं शादी से पहले किसी दूसरी लड़की के बेडरूम तक जा सकता हूँ तो शादी के बाद तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा ना। Unlike Sneha, I deserve it.
मैं शादी नहीं करना चाहता। हाय रब्बा, एक ही न्यासे अप्पा पै गया। साहिल, ये तू क्या कह रहा है? शरम वरम सब मर गई, पहले वो हरकत और अब ये? छी, अपने सूरी मामा को ही देख ले, सिर्फ सिगरेट तो पीते हैं। He doesn't have any other bad habits. मेरे को तो पहले ही पता था ये होने वाला है। आ गई ना दिक्कत, पड़ गया ना सापा। देख बेटे, हमारी शादी को 22 साल हो गए, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। और तू अभी सही? चलो बस, अब इस बाबत कोई गलबात नहीं होगी, और ना ही उन साहिल से कोई कुछ कहेगा। मैं स्नेहा के पापा से खुद ही बात कर लूंगा। मॉम को बोल। तो जी, ये तर है। इंसान का झगड़ा बरखुरदार किसी से भी हो, लेकिन ये गुस्सा जो है ना, रोटी पर ही निकालना चाहिए। अब भाई, मेरे हाथ से इस खाने का स्वाद कम नहीं हो जाएगा। आकर आ आ आ मुंह चला भाई, रोटी चबा के खानी चाहिए अच्छी तरह। तू स्नेहा से प्यार करता है? समझ गया, बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे आंखों की जो नमी है ना, ये तेरे दिल का अफसाना बयान कर रहे हैं। शर्माती नहीं है, ये अथरू है ना काका, ये बड़े कमाल की चीज है। बुजुर्गों ने कहा है कि जब दिल भर आए, कुछ समझ में ना आए, फैसला लेने की ताकत खत्म हो जाए, तो फिर खुल के रोना चाहिए। चल शाबाश है, खुल के रो काका। ओए, खुल के रो और सारी टेंशन जो ना इन अश्रुओं के जरिए बाहर कर। गुड। उससे ऐसे बहुत प्यार करता था मुझे, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई था मुझे। कोई गलती बलती आप नहीं जानते था मुझे। सब जानता हूँ बेटा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई, सब जानता हूँ। ये भाईचारे की गुट्टी पिलाई गई थी तुझे। हाँ, ये भाईचारे की गुट्टी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है बेटा। ये भी मालूम है मुझे कि शर्मन ने तुझे वर्गला कर वहां भेजा था उस लड़की के पास, और मुझे पूरा यकीन था तू कुछ नहीं करेगा। और मेरा यकीन जो है ना, वो सही निकला। मैं कुछ समझा नहीं था जी। समझने कौन सा, मैं फारसी बोल रहा हूँ बेटा। ये भाईचारा कोई आज की बात थोड़ी है, ये सदियों से है। हमारे जमाने में भी शर्वण जैसे लोग हुआ करते थे, हमें भी बरगलाया गया, हम गुमराह भी हुए। हाँ, अब सच बताऊं, दो एक बार ना मेरा भी दिल मचल गया था।
यार मैं ये सच कह रहा हूँ, वो तो मैं जैसे ही कुछ करने के लिए गया ना, वो तेरी ताई जी का प्यार ना मेरे सामने आ गया। मैं ये जो भाईचारे का भूत और प्यार में जो जंग होती है ना जी, तो काका जी जीत हमेशा प्यार की होती है, जो तेरे साथ हुआ। अगर तू स्वार्थी होता ना तो स्नेहा को जाके बोलता नहीं। तूने खुद जाके स्नेहा से कहा है, शादी के लिए मना किया। चल तैयार हो जा। पर ताऊ जी, मैं तो ये सोच रहा था कि मैंने शादी के लिए मना कर दी, अब क्या करूं? तो करना क्या है? तू शेरवानी पहनो, कुड़ी में चढ़ जा। मतलब? ओ मतलब क्या काका, तेरी शादी कैंसिल किसने करी थी? स्नेहा के पापा को मैंने सबको समझा दिया था, और टाइम नहीं है अपने पास। झपियां झपियां ना मर, 3 घंटे रह गए तेरी शादी में। एक बात बताऊं तो जी, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? वैसे मैं आपको बड़ा खड़ूस समझता था। ओए खड़ूस तो मैं अभी भी हूं। साहिल भैया स्नेहा भाभी सबको बिना बताए कहीं चले गई है। क्या घबराने की जरूरत नहीं, अपना शहर है, कहीं से भी ढूंढ निकाल लेंगे, समझा ना? नहीं था जी, मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा। अरे वाह, अब तो बड़े फिटी लग रहे हो। अभी तुम अब तक तैयार नहीं हो, बारात आने वाली है, जल्दी करो, सर पे मशीन लगा के घूम रही हो। अरे रोलर कहते हैं इसको जी, रोलर। ये तुम जाओगे, मेरे पेट में बहुत दर्द है। पेट में दर्द है? नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। अरे भाई तुम जाओ, जाओ, बाद में ज्वाइन कर लूंगा मैं तुम्हें, जाओ। Hey. क्या नाम है? अंबिका। ना कर फिकर, कहा है ना साहिल, स्नेहा को टाइम पे ले आएगा, तू अपने मेहमानों को सांभ के रख। हाँ, घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि स्नेहा नहीं है। जैसा आप बोले ताऊ जी, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है। ताऊ जी आप संभाल लोगे ना? ताऊ जी अब निकल रहा हूं मैं। ताऊ जी, ये लीजिए आपकी चाय है, और कोई काम तो नहीं है ना? फिर मैं भी जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, साहिल भैया की शादी के लिए मैंने भी नया सूट सिलवाया है। हाँ। ओए फंडो। हेलो साहिल भैया। हाँ। एक नई प्रॉब्लम हो गई है। श्रवण भैया ने नम्रता भाभी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। बधाई हो बधाई, उनको चापड़ मार के घर छोड़ के चले गई। कमाल की चोरी फैम, ये शादी होगी भी या नहीं? जी हाँ। सब ठीक चल रहा है ना आपके हिसाब से? हाँ सब ठीक चल रहा है। पर ताऊ जी आप तो कह रहे थे कि साहिल स्नेहा को लेकर आने वाला है। हाँ। साहिल थोड़ी है, खड़ेश्वर नाथ तिवारी खंडू। ये नौकर है? मतलब इस वक्त मेरी बीवी एक नौकरों को ले लगा रही है ताऊ जी? ये हमारे यहाँ काम करता है। पर मेरी बीवी एक नौकर को संभाल। गले मत लगो, गले पड़ जाएगा। मैं आ जाऊं?
कहाँ है तू? ताऊजी मैं भैया के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। ताऊजी वो एयरपोर्ट पर थोड़ी मिलेगी वो तुझको। आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो। तू ये फिल्म से निकल कर अब जिंदगी में उतर और अपने दिल से सोच के वो कहाँ मिलेगी। रोजर दैट, तू सी बस उतने संभालो, मैं उन्हें लेके पहुंच रहा हूँ। शाबाश ताऊजी, कुछ करो ताऊजी। शादी उसकी हो रही है, ताईजी क्या कर रही है? कुछ करना पड़ेगा उन्हीं को। वन टू थ्री। अरे भाभी को तो ढूंढ रहा हूँ यार मैं। नहीं, भाभी से ने टैक्सी राइट हियर। व्हाट? या सुनो, करोट प्लेस के सामने जाम लगाया, पहुंच सकते हैं। जस्ट कम हियर राइट नाउ। थैंक्स बॉडी, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। कम हियर कम हियर। कॉपी दैट। ये बात भी सच है कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगा। नमो, देखो मैं जानता हूं कि मैं बहुत बड़ा कमीन हूं, लेकिन आखिरी ख्वाहिश तो सभी की सुनी जाती है ना। प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। मैं तुम्हें और एक मौका दूं ताकि तुम फिर से मेरा दिल, मेरा विश्वास तोड़ सको। इट्स ओवर बिटवीन अस श्रवण। मैं समझ गया हूं कि प्यार क्या होता है, उसे खोना क्या होता है। आई प्रॉमिस यू, मैं सुबह नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे प्यार से नहीं उठाओगे। मैं टाई नहीं पहनूंगा जब तक तुम मुझे टाई नहीं पहनाओगी। जन्मों का बंधन होता है। मैंने तो अपनी गलतियों का कोटा आधे जन्म में पूरा कर दिया। बस अब बाकी के 6.5 जन्म सिर्फ तुम्हें प्यार देना चाहता हूं। तुमने एक और गलती की ना, I will never forgive you।
जी हाँ। अब तो सबने नाच लिया है, सारे मामों ने मामियों ने नाच लिया, यहाँ तक कि बाहर के लोग आए वो भी नाच के चले गए। अब तो बैंड वालों को भी बैंड बन चुका है, और कितना नचाओगे आप? अब बस हो गया नाच का ना, शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है, अब चले अंदर। लेकिन ताजी वो तो अब तक चल नहीं, पर वो तो चलो चलो मैं जानता था कि तुम यहीं मिलोगी। यहां से चले जाओ साहिल। देखो मैं जानता हूं कि तुम बहुत नाराज हो। तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ओके फाइन, तुम प्लीज कहीं जाओ मत, तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मत देखो, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का एक मौका दो प्लीज, जस्ट ट्रस्ट मी। देखो कल रात जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ, कल रात जो हुआ ना वो बैचलर्स पार्टी थी ना, तो सिडनी ने ना मुझे 3-4 टकीरा एक्स्ट्रा पिला दी, एंड तुम तो जानती हो मैं वैसे इतना पीता नहीं हूँ, तुमने ना मुझे गलत टाइम पे गलत जगह पे देख लिया था, तो मैं उसके रूम से बाहर निकल रहा था व्हेन यू कॉट मी। तुम मुझे किस बात की सफाई दोगे साहिल? झूठ पे झूठ बोलते गए तुम मुझसे, रेस्टोरेंट में भी तुम मेघा के साथ थे राइट, और तुमने मुझसे क्या कहा? इतनी अंधी, इतनी बेवकूफ थी मैं, अपने से ज्यादा हमेशा तुम पे विश्वास किया, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। एंड तुम कब से इतने मैनिपुलेटिव हो गए? इट्स जस्ट मेघाज इन्फ्लुएंस। साहिल, साहिल मैं यहां हूं। अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ, खींचो खींचो, ये टूट रहा है। तुम मैनिपुलेशन की बात कर रही थी ना? क्या तुम्हें पता है कि ये सारा मैनिपुलेशन भैया की वजह से हुआ है? साहिल बकवास मत करो, उनको इसमें मतलब प्लीज हाथ दो। मैं उनको घसीट रहा हूं, उन्होंने मुझे घसीटा है सब में। साहिल शट अप, हाथ दो। भैया पिछले 15 साल से दीदी को धोखा दे रही थी उन्होंने। साहिल भाभी सुनेगी तो क्या बोलेगी? तुम काम दीदी घर छोड़ के चली गई है। साहिल अपना हाथ दो, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया फिर भी मैं तुम्हें बचा रही हूं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, अपना हाथ दो प्लीज। मैं थक गया हूं यार, सब बिना बात के मेरे पीछे क्यों पड़े? नहीं धोखा दिया मैंने तुम्हें, कुछ नहीं किया है। साहिल मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अपना हाथ दो। मॉम से कहना कि आई एम वेरी सॉरी। साहिल तुम क्या, भैया से कह देना कि मैंने उनको माफ कर दिया, नो प्रॉब्लम। बबीता मामी से कहना कि दवाइयां लेना बंद कर दे, सूर्या से कहना कि सिगरेट पीना बंद कर दे, नो प्रॉब्लम। अपना हाथ तो क्या बकवास कर रहे हो? और टिट्टू से कहना कि भैया की बात बिल्कुल मत सुनना। अरे तुम गिर जाओगी, प्लीज अपना हाथ दो। मैं कहूंगी तुमने मुझे माफ किया, हाथ दो, तुमने मुझे माफ किया। साहिल अपना हाथ दो। अच्छा मैंने माफ किया, माफ किया, माफ किया, मैंने माफ किया साहिल, प्लीज अपना हाथ दो अब, कम ऑन, हरी आप। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करूंगी, प्रॉमिस। पहले मेरा हाथ तो थामो। सॉरी हाथ नहीं दे सकता, अगर हाथ छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो तुम्हें मेरा पैर पकड़ना पड़ेगा। सुनो मैं अपना पैर ना वहां पे रखने वाला हूँ, ओके? तो ऑन द काउंट ऑफ 3 तुम मेरा पैर अंदर की तरफ खींचना। मैं तुम्हारा पैर कैसे पकड़ पाऊंगी? पैर तुम्हें उस तरफ खींचना पड़ेगा। अरे खींचो, चुप हमारी लव स्टोरी भले ही कंप्लीट क्यों न हो गई,
लेकिन शादी की सारी हॉरर स्टोरीज भी बाकी थी। ये लो, ये आया देखिए। भाई कहाँ थे अब तक? हिसाब कर रहा था। अच्छा, आजकल उसको हिसाब कहते हैं। गुरलाल मामा आज भी वो ब्राड ढूंढ रहे हैं। सूरी अंकल की सिगरेट छुड़ाते छुड़ाते लगता है मामी को कैंसर हो जाएगा। पोपट मामा और बबीता, ओ सॉरी, बबीता मामी साइकियाट्रिस्ट के पास गई है। भाभी अपने पति के नए गुरु से बहुत खुश है। जी हाँ, आजकल मैं भैया को प्यार के लेसन देने लगा हूँ, और मैं और स्नेहा वर एज हैप्पी एज वी कैन बी। साहिल पुत्र, शादी तो हो गई, अब बच्चे? हाँ हाँ, बच्चे तो होने ही चाहिए। ओए बाप बनने के भी कुछ रूल्स होते हैं। और साहिल, पहला रूल? रब्बा, मैं क्या करूं? Andy, oh.